इंजेक्शन के साथ। अच्छा चले भाई गई थी। ये देखें इसका क्रोप फूल चुका है, पर क्रोप ये देखें लूज है क्रोप। अभी मेरे पास जो ग्रे का बच्चा है, ये एक बच्चा इस टाइम लेता है 40 से 50 पीस के बच्चे रह गए, अब उनको करवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आपको मालूम है, सीजन स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो हमसे एक ही सवाल करते हैं सीजन में कि बच्चों को फीड हम कैसे करवाएं, फीड कैसे बनेगी, फीड किस तरीके से होगी, कौन सी फीड देनी चाहिए। तो मैं आपको वन बाय वन हर चीज़ बताता हूँ, फीड आपने कैसे बनानी है और कैसे देनी है। तो अभी हमारे पास जैसे कि ये बच्चे आए हुए हैं, रिंग नेक के हैं, पहाड़ी के बच्चे हैं, सन कैनियर के बच्चे हैं, ग्रे पैरेट के बच्चे हैं। अब फीड मेरे पास कौन सी सिस्टम मौजूद पड़ी हुई है इनके लिए बेहतरीन फीड जो है, एक केटी पड़ी हुई है और केटी के बाद एक हाइगेन ट्रॉफी कैन पड़ी हुई है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर अपडेट जो हो न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलें अभी मैंने पानी गर्म कर लिया है, तो अब अपने हिसाब से हम फीड बनाएंगे। तो ये फीड बनती कैसे, आपने सबसे पहले पानी को गर्म कर लेना अच्छी तरह, बॉयल करने के बाद ये फीड आपने बनानी है। तो ये देखें भाई, इधर दिखाएं मेरा कैमरामैन दिखा सकते हो, ये मैंने फीड इतनी अभी बनाई है। अब आपने किस तरह फीड बनानी है, आपके पास जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा है, अब जैसे अगर एक ग्रे का बच्चा है आपके पास इस टाइम, तो ये वाला मेरे पास जो ग्रे का बच्चा है, ये एक बच्चा इस टाइम लेता है 40 से 50 सीसी और कश्मीरी पहाड़ी का बच्चा 30 सीसी लेता है। तो ये देखेंगे 30 सीसी हमने ये भरी, ये देखें ये 30 सीसी हमने भर ली, किसी भी खाली बर्तन में डालना है और डालने के बाद आधा चाय का चम्मच डाल के फीड का हल कर लेना है। और फीड अगर गाढ़ी ना हो तो थोड़ी और फीड डाल के उसको हल करें ताकि वो गाढ़ी हो जाए, फिर एक बच्चे की फीड आपकी इस तरह बन जाएगी। अब मैंने बनाई है, काफ़ी बच्चे मेरे पास क्वान्टिटी में 8-9-10 बच्चे हैं अभी इस टाइम, तो उनकी फीड बना रहा हूँ मैं अभी। तो ये गर्म पानी में आपने फीड बनानी है, ये देखें एक चम्मच आ गया, ये दो चम्मच आ गए, अभी फिलहाल इतना बहुत। अब आगे लाएं इसको, दिखाएं कैसे हल हो रही है ये। अच्छा एक चीज का और ख्याल करना है फीड बनाते वक्त, जैसे कि कराची का टेम्परेचर आपको पता है अभी फिलहाल गर्मी बहुत ज्यादा हुई पड़ी है, तो इस गर्मी में आपने क्या करना है, ज्यादा गाढ़ी फीड नहीं करवानी और ज्यादा उसको फीड भी नहीं करवानी। जैसे कि मैंने आपको बताया एक बच्चे को 60 सीसी से 70 सीसी वो फीड ले लेता है आराम से, तो आपने कोशिश करनी है उस बच्चे को आप 50 सीसी करवा दें, 45 सीसी करवा दें, फीड कम करवाएं ताकि वो एक तो मौसम भी गर्म हुआ पड़ा है, उसको भी भारीपन ना हो और फीड भी आजमा कर लेगा जल्दी, फिर आप दोबारा करवा दीजिएगा। तो देखें भाई ये फीड बन गई है हमारी, लाएं कैमरामैन आगे दिखाएं भाई, ये फीड तैयार हो गई है। अभी मैंने ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया फीड को, ठीक है, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है, एक हम सुबह में और एक रात में फीड गाढ़ी देते हैं, अगर मौसम सर्दी होती तो फिर अब इस टाइम भी हम गाड़ी फीड देते हैं, तो अभी गर्मी है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कराची में, तो इसलिए हम इस वजह से ये फीड दे रहे हैं। ये भी हालांकि देखें ये ज़्यादा पानी लिक्विड नहीं है, ये भी बहुत अच्छी है क्वांटिटी में फीड। तो चलें अभी इसको ठंडा होने के लिए रख दें, थोड़ा ठंडा हो जाए, बहुत गर्म है, उसके बाद फिर फीड करवाना आपको बताएंगे। तो चलें फीड तैयार हो चुकी है, जैसा कि ये देख चेक करें। अच्छा ये फीड इतनी हो चुकी है कि नीम गर्म है, ना इसमें मेरी उंगली जल रही है ना कुछ, तो नीम गर्म है ये, नीम ठंडी नीम गर्म, इतनी भी आपने गर्म नहीं करवानी कि उसका पेट मैदा जल जाए। ये पेट होता है ना क्रोप जो होता है, ऐसा ना हो कि आप पेट गर्म करवा दें, क्रोप जलने की वजह से इसका क्रोप फट गया तो भी नुकसान दे, फिर टांके लगेंगे तो फायदा नहीं, एहतियात बेहतर है। तो अब आपको मैंने जैसा कि बताया था ग्रे के बच्चे दिखाएं भाई, सबसे बड़ा बच्चा है मेरे पास इस टाइम तकरीबन कोई 40 दिन का, तो ये फीड लेता है तकरीबन 70 ml, पर मैं इसको भी कितनी दे रहा हूँ 30 ml। आपको बताया जैसे गर्मी इधर से आए, इधर से दिखाएं कैमरामैन, ये देखें ये इसको पकड़ा, ये खुद ही पंपिंग करेगा, ये गया पाइप, ये देखें ये आराम से करा, ये देखें ये गई फीड, ये देखें इसका क्रोप फूल चुका है, पर क्रोप ये देखें लूज है क्रोप, अभी भी हिल रहा है, इसमें फीड की गुंजाइश है काफ़ी, पर मैं अभी फीड नहीं करवा रहा। आपको बताया जैसे कि गर्मी है बहुत टाइट, तो फीड कम से कम करवानी चाहिए, अगर आप 3 टाइम करवा रहे तो आप 4 टाइम करवा लें ताकि आपका बर्ड जो है एक्टिव रहे, बीमार ना हो, हर बीमारियों से बचकर हो जाए आपके बर्ड की। ये देखें ये देखें ये भी हो गया, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, फीड कराना बहुत आसान है।
ये आ गया छोटा वाला बच्चा, इसको हम देंगे 25 cc, ठीक है। देखो चलें ये तो हो गया, अब आ जाएं आगे, अब हमारे पास है सन कैनियोर, तो चलें अब सन कैनियोर पे आ जाएं। ये सन कैनियोर का हमारे पास बहुत छोटा बच्चा है, तकरीबन कोई 15-16 दिन का। अब इसको फीड करवाते हैं, ये बहुत शरारती होते हैं, देखें एक दूसरे को फीड ही नहीं करवाने देंगे। अभी ये करवा दी कम से कम फीड, अब आ जाएं आप, आ जाएं, इनको भी सेम इसी तरीके से फीड करवानी है आपने। अच्छा मेरे पास बच्चों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बाहर उनको फीड करवाने के बाद ऐसा क्यों करता हूँ कि ये दिखाएं इधर, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि फीड करवाने के बाद मैं यहाँ इस पानी में वॉश करने के बाद फिर फीड भर रहा हूँ, फीड दोबारा करवा रहा हूँ। तो ये इसलिए कर रहा हूँ, मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, ऐसा होता है बाद इनका जर्सी इनको लग जाता है, तो इसलिए एहतियात बेहतर है। अभी नीम गर्म पानी मैंने रखा हुआ इसीलिए। अच्छा भाई अभी तो सन कैनियर हो चुके हैं हमारे, अब आ जाते हैं कश्मीरी पे। तो ये देखें पाइप बिल्कुल साफ है, बस बस देखें ये फीड करवाना स्टार्ट कर दिया हमने, बस इतनी बहुत है। आ जाए भाई अभी रिंगनेक के बच्चे रह गए, अब उनको करवा देते हैं। ये देखते हैं इनको करवा दी, अब उससे पहले इसको वॉश कर लेते हैं। अब आ जाए भाई दूसरा आ गया रिंगनेक का, ये आ गया ग्रीन रिंगनेक के दूसरे बच्चे को फीड हो गई। अब आखिरी बच्चा रह गया, उसको फीड करवा के फिर वीडियो का एंड करते हैं। आ जाए भाई आ जाए। अच्छा आपको कैसे मालूम होगा, आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे मालूम होगा कि मैं कौन से बच्चे को फीड करवा चुका हूँ और अब कौन से को देनी है। आइडिया लगाने का बहुत आसान तरीका है, ये इनका क्रोप होता है, इससे चेक कर सकते हैं आप। अब इसका क्रोप देखें बिल्कुल खाली है ये, और इसका देखें फुल भरा हुआ है, तो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो अब इस बच्चे को मैं फीड करवाऊँगा, इसको नहीं करवाई अभी तक। ये देखें भाई इसको फीड हो गई, इतनी आसान है, कोई मुश्किल नहीं। अब हमने सारे बच्चों को फीड करवा दिए, तो चलें देख, जैसा कि आपको देखा मैंने फीड करवा के दिखा दिया, सारे बच्चों को मैंने फीड करवा दी, तरीकेकार भी आपको बताया किस तरह आपने फीड कैसे करवानी है। अच्छा तो हम लोग फिलहाल अभी फीड ग्रे के बच्चे जैसे हो गए, बाकी बच्चे भी हो गए, इनको हम लोग पहले तो केटी फीड दे रहे हैं, केटी के बाद दूसरे नंबर पर जो है फिर मैं हाइगेन ट्रॉफी कैट फीड इस्तेमाल करता हूँ अगर मेरे पास केटी ना हो तो। बाकी इंजेक्शन का पाइप जो होता है, हमने जो मैंने पाइप लगाया हुआ था आगे इंजेक्शन के, हर बंदा पूछ रहा होता है, मैं भी दिखा देता हूँ उन पर, तुम बच्चे जब तक दिखाओ मैं पाइप लाके दिखाऊं इंजेक्शन के साथ। अच्छा चलें भैया आ जाए। तो बहुत सारे व्यूअर पूछ रहे होते हैं कि ये इसमें पाइप कौन सा आगे लगता है, कहाँ से मिलता है, तो किसी भी मेडिकल से ये मिल जाता है। एक तो ड्रिप सेट का पाइप होता है, वो इतना होता है, ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये बड़ा पाइप होता है। तो इस पाइप का नंबर होता है 14 नंबर पाइप, किसी मेडिकल पे जाके आपको ये दिखाएंगे ना, पिक्चर दिखा देंगे कि 14 नंबर पाइप चाहिए इसमें, तो वो आपको दे देगा। तो सिरिंज आप कोई भी उसके साथ 50-60 cc वाली आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें ये तो हो गया, अगर इसके अलावा और कुछ आपने पूछना हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और जो जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।